तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में आई मूवी सप्ता सगरदाचे दाचे साइड ए को इस फिल्म में एक ऐसे बंदे की कहानी है जो कि अपनी जिंदगी में एक छोटा सा ऐसा फैसला लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है वो फैसला क्या था और उस फैसले से उसकी जिंदगी अच्छी बनी या बुरी यही आपको फिल्म में देखने मिलेगा कहानी में प्रेम कहानी भी है तो प्रेम बंधन में बंधे लोग संभल के देखें क्योंकि आपकी आंखों से धुंधला दिखना शुरू होने वाला है अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी तो मूवी की शुरुआत में हम मन्नू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ गाड़ी से जा रहा होता है मन्नू गाड़ी बहुत तेज चला रहा था तो प्रिया गुस्से में गाड़ी रुकवा कर पैदल चलने लग जाती है मन्नू के रोकने पर प्रिया कहती है कि महीने के तुम बारह हजार कमाते हो इतनी महंगी गाड़ी है कुछ हो गया तो जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी पैसे चुकाते चुकाते मन्नु उसे सॉरी कहता है और फिर दोनों लोग चले जाते हैं प्रिया गायिका थी और उसे गाने से बहुत प्यार था पर अभी तक उसे कहीं भी मौका नहीं मिला था अपनी सुरीली आवाज सभी तक पहुंचाने का मनु एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवरी का काम करता था मन्नु और प्रिया काफी सालों से एक दूसरे के साथ थे और शादी करके सेटल होने का सोच रहे थे जिसके लिए वो एक घर की तलाश में होते हैं पर कहीं कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता मन्नु प्रिया को एक बड़ी सी बिल्डिंग में फ्लैट दिखाने ले जाता है जिसकी बालकनी से पूरा शहर दिखता था वो उन्हें बहुत पसंद आता है पर अफसोस की वो बस देख सकते थे कभी लेने का सोच नहीं सकते थे प्रिया को हमेशा से समुंदर किनारे घर चाहिए था क्योंकि बचपन से ही उसे लहरों की आवाज से प्यार था पर यह सपना भी बस सपने तक ही सीमित था प्रिया के पिता ने बचपन में उसे बताया था कि जो शंख होता है ना वो भले समुंदर से कितनी ही दूर हो पर समुंदर उसके अंदर बसा होता है तो प्रिया समुन्दर किनारे बसे अपने गांव से भले शहर आ गई पर जो शंख उसके पास था उसके जरिए समुंदर भी उसके पास था मनु प्रिया के सपने को पूरा करना चाहता था तो वो मालिक के पीए से पूछता है कि आपके नज़र में कोई घर है क्या समुंदर किनारे तो वो उसे बड़ी ही तुच्छ नजरों से देखता है की ड्राइवरी करके चले हैं ये समुन्दर किनारे घर बनाने पीए पैसों की घपलेबाजी बहुत करता था जैसे कोई काम दिया जाए करने को तो उसमें बढ़ा के हिसाब देना अब प्रिया और मन्नू का मूवी देखने का प्लान बना था पर मनु पहुंचा ही नहीं था तो वो कहता है कि दस मिनट दो मैं अभी आता हूँ अब हम देखते हैं कि एक सफेद महंगी गाड़ी रोड पर फर्राटे से जा रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक एक आदमी आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है गाड़ी वाला पीछे लेता है और एक बार फिर से उसके ऊपर चढ़ाकर निकल जाता है और ये सब होते हुए उस आदमी की बेटी देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पाती हमें पता चलता है की वो गाड़ी मालिक का बेटा चला रहा था उन्हें अपना बेटा प्यारा था तो वो चाहते थे की बस कैसे भी करके वो जेल न जाए क्यूँकी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी जिसमें सब दिख रहा था सिवाय गाड़ी चलाने वाले इंसान का चेहरा पहले वो लोग अपने एक ड्राइवर से बात करने वाले थे कि वो सब अपने ऊपर ले ले लेकिन पीए कहता है कि वो नहीं मानेगा तभी हम देखते हैं कि पीए मन्नू को मना रहा होता है कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले जिसके बदले उसे पंद्रह लाख मिलेंगे और बस पाँच छह महीने की बात है उसके बाद मालिक उसे बाहर निकाल लेंगे मनु सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे तभी पीए कहता है कि तुझे तो समुन्दर किनारे घर बनाना है न ये बात मनु के दिमाग में चढ़ जाती है कि अगर खूब सारा पैसा मिला तो ये सपना पूरा हो पाएगा और फिर कुछ ही महीने की तो बात है तो यही सब सोच के वो ये काम करने के लिए मान जाता है मालिक मनु से कहते हैं कि तीस साल लग गए मुझे ये रुतबा बनाने में इसे कायम रखने के लिए कुछ भी करूंगा तुमने मेरा साथ दिया तो आगे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम बाहर आ ही जाओगे ये तय रहा अगले दिन मनु प्रिया को कुछ पैसे देते हुए सब कुछ बता डालता है कि वो क्या करने जा रहा है तो प्रिया उस पर बहुत गुस्सा आती है और यही कहती है कि इसमें मत फंसो मत जाओ पर मनु पैसे ले चुका था तो अब वो अपनी बात से मुखर नहीं सकता था मनु को अब कस्टडी में रखा जाता है इधर प्रिया रो रोकर अपना बुरा हाल कर लेती है और खाना खाना भी छोड़ देती है मन्नू इंतजार कर रहा था कि प्रिया उससे मिलने आएगी पर वो तो उससे नाराज थी ना तो कई दिन बीत जाने के बाद भी वो नहीं आती एक दिन जब मन्नू कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तब उसे प्रिया मिलती है जिसे देख के वो खुश भी होता है और आंखों में आंसू भी होते हैं अब मनु को जेल भेजा जाता है जहाँ का वातावरण अलग ही था बाहरी दुनिया से कहने के लिए तो जेल पुलिस के कंट्रोल में थी लेकिन असल में सब कुछ अपराधियों के कंट्रोल में था और उन्हीं के हिसाब से सब चलता था वहाँ पे मन्नू को सोमा भाई करके एक आदमी मिलता है जो कि उससे बड़े प्यार से बात करता है और पूरे जेल का टूर भी कराता है। और मन्नू उस पर भरोसा करते हुए अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है सोमा कहता है कि पाटिल गैंग से तुम दूर रहना वो बहुत बुरा आदमी है और नए लोगों को देखते ही दबोच लेता है और यहाँ जो चाहो वो मिलता है बस पैसा फेंको तमाशा देखो अब हम देखते हैं कि प्रिया मन्नू का मन पसंदीदा हलवा बना के उससे मिलने जाती है पर वहाँ इतनी भसड़ मची पड़ी थी कि ठीक से मिलने भी नहीं मिलता मूवीज में दिखाया जाता है कि जब जेल में कोई मिलने जाता है तो मस्त आराम से बतियाते हैं पर असल में ये होता है हर जगह शोर था पर जब प्रिया और मन्नू की आंखें मिलती हैं तो उनके लिए सब शांत हो जाता है जैसे उनके आसपास कोई हो ही ना मन्नू बातें करने ही वाला होता है कि तभी एक जेल का कर्मचारी कहता है कि मिलने का टाइम हो गया चल अंदर मन्नू जा नहीं रहा होता तो वो लोग उसे खूब मारते हैं और प्रिया ये सब होते देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकती थी प्रिया को एहसास होता है कि जितना आसान सब कुछ लग रहा था उतना है नहीं सोमा मन्नू को सांत्वना देने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें फोन दिलाऊंगा अपने मालिक से बात करके पैसे मांगू क्योंकि पैसे होंगे तो सबको खिला के सब सही चलेगा मन्नू मालिक से बात करने के बाद प्रिया से भी पांच मिनट बात कर लेता है थोड़ा सुकून पाने के लिए अब मालिक मनु से मिलने आते हैं ये बताने की फिक्र मत करो जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा और अब हमारी अगली मुलाकात बाहर निकल के ही होगी अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है तो मनु सब कबूल कर लेता है कि उसने ही सब किया है सोमा ऐसे तो मनु से बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करता था लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था सब सही चल रहा था पर एक दिन मालिक को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है प्रिया जब ये खबर मन्नू को देती है तो वो काफी घबरा जाता है क्योंकि वही थे जिनके कहने पर सब कुछ हो रहा था पर अब वही नहीं तो अब आगे सब वैसे ही होगा या नहीं पता नहीं प्रिया जानती थी कि अब शायद बहुत कुछ गड़बड़ा सकता है पर वो कहती है कि तुम घबराओ मत मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सोमा लालच के कारण मन्नू को अपने साथ रखे था क्योंकि उसका मालिक बहुत अमीर था लेकिन मालिक के मरने के बाद वो अपना असली रंग दिखा देता है मन्नू को अपने चेलों से पिटवाते हुए कहता है की तेरा मालिक तो गया अब तू मेरे किस काम का अब से सारे बाथरूम तू ही साफ करेगा मन्नू कोई एक्शन फिल्म का हीरो नहीं था कि दस गुंडों को मार गिरा के भौकाल बना दे बल्कि वो एक साधारण आम इंसान था तो उसे वो सब करना ही पड़ता है जो उसे करवाया जा रहा था पिए ने प्रिया का कॉल उठाना बंद कर दिया था तो वो सीधे उसके घर चली जाती है तो पीए झूठी हंसी के साथ कह देता है कि मैं मालकिन से बात करूंगा तुम टेंशन मत लो मैं मन्नु को कुछ भी नहीं होने दूंगा प्रिया जब मन्नू से मिलने जाती है तो उसके चेहरे पर लगी चोटों से समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो जेल इंचार्ज को कुछ पैसे खिला देती है ताकि मन्नू को जेल में कोई परेशान न करे एक लड़का था जिसे सोमा के गैंग के लोग हर वक्त टॉर्चर करते रहते थे कभी टॉयलेट साफ कराना कभी उसका बलात्कार करना और ना जाने क्या क्या जिससे तंग आकर वो अपनी जान दे देता है मालिक के करीबी स्वामी मालकिन से कहते हैं कि साहब ने जबान दी थी कि वो उस लड़के की बेल कराएंगे तो उनकी बात तो रखनी पड़ेगी ना ए, मालकिन के कान में कहता है कि मालिक के साथ साथ उनकी बात भी चली गई अगर मन्नू बाहर आया तो आपके बेटे के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी इसलिए ज्यादा मत सोचिए कुछ मत करिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए मालकिन उसकी बात मान जाती है और साथ ही साथ अब उसे ही सारा काम संभालने को दे देती है की जो करना है अपने हिसाब से कर लो पीए का एकदम तेवर ही बदल जाता है और वो सब पे अपना हुकुम चलाने लगता है अब वकील कोर्ट में आना बंद कर देता है तो केस की तारीख भी आगे बढ़ने लग जाती है एक कैदी प्रिया के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था तो गुस्से में आकर पत्थर उठा के मनु उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी पाटिल उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अगर जल्दी बाहर नहीं जाना चाहते तो जाओ मार दो उसे प्रिया वकील के ऑफिस के चक्कर काटना शुरू कर देती है तो उसे पता चलता है कि मालकिन ने केस लड़ने से मना कर दिया है सोमा ने पाटिल के बारे में बुरा बुरा कहा था पर वो तो अच्छा इंसान निकला तो मन्नू उसी के पास पहुंच जाता है काम करने के लिए पाटिल कोई बुरा काम नहीं करता था बल्कि कपड़े बनाना लकड़ी का काम और बाकी सभी चीजें संभालता था और कैदियों को प्रेरित करता था कि वो भले गुना करके आए हैं पर कोशिश करें अब अच्छी राह पर चलने की पाटिल उससे पूछता है की तुमने ऐसा क्या किया है जो यहाँ आ गए तो मन्नू कहता है की मैंने कुछ गलत नहीं किया पाटिल कहता है कि यहाँ किसी की हैसियत न बड़ी न छोटी हम में से कोई नादान भी नहीं है प्रभु श्री राम से भी गलती हुई थी अगर हमें खुद में बदलाव लाना है तो हमें हमारी गलतियां माननी होंगी अब बताओ क्या गलती की कि तू यहाँ आया मनु अब भी यही बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा मैंने कुछ गलत नहीं किया पाटिल उससे कहता है कि यहाँ काम तभी मिलेगा जब अपनी गलती मानोगे प्रिया पीए के घर जाती है तो देखती है कि उसने अब नई गाड़ी ले ली है यहाँ वो अधमरी हो गई चक्कर काटते काटते और वो मस्त मजे से नई नई चीजें ले रहा है तो इसी गुस्से में वो उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ देती है जेल जाने से पहले मन्नू ने जो पैसे दिए थे प्रिया उन्हीं पैसों से वकील करती है और अब कटघरे में बुलाया जाता है मरे हुए आदमी की लड़की को जिसने सब होते हुए देखा था लड़की ने सब देखा पर ये नहीं देखा कि गाड़ी चला कौन रहा था तो वो कुछ नहीं बता पाती एक लड़ाई तो बेचारी वो भी लड़ रही थी अपने पिता को इंसाफ दिलाने की मन्नू पाटिल को बता देता है कि वो हिट एंड रन केस में अंदर आया है तो पाटिल उसे काम करने की अनुमति दे देता है वकील को पैसे देते रहने के लिए पैसों की जरूरत थी तो प्रिया अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर देती है इधर मन्नू काम पे लगा हुआ था कि कैसे उसका जेल में वक्त कटे और उधर प्रिया काम पर लगी हुई थी कि कैसे मन्नू जल्द से जल्द बाहर आए अब एक दिन एक कैदी मनु से कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका बहुत अच्छी है मेरी बीवी मुझसे मिलने आती है तो बस इसलिए ताकि रिश्तेदार उसको कुछ कहे ना उसे मुझसे प्यार नहीं और ना ही कभी जाते वक्त एक बार भी पीछे पलटती है पर तुम्हारी प्रेमिका जाते वक्त हर बार पीछे पलट के तुम्हें देखती है वो अलग है ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे लिए ऐसी जगह पर घंटों रुक सकती है मन्नू जब मिलने जाता है तो वो भी पीछे पलट के देखता है तो प्रिया उसे ही देख रही होती है तो वो बहुत खुश होता है कि ये जो प्यार है वो सच्चा है अटूट है सोमा हर समय मन्नू के ऊपर कमेंट बाजी करता रहता था पर पाटिल मन्नू को पलट जवाब देने से रोक लेता था क्योंकि घाटा उसका ही होता उधर पैसों की कमी होती जा रही थी तो माँ से छुप छुपा के प्रिया गहने बेच देती है माँ सब समझ रही थी कि वो क्या किए जा रही है पर वो कुछ नहीं कहती कोर्ट में जब पेशी का समय आता था वही एक समय होता था जब मन्नू और प्रिया अच्छे से मिल पाते थे और थोड़ा अच्छा वक्त गुजार पाते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रिया की माँ प्रिया को समझाने की कोशिश करती है कि कब तक ये सब करती रहोगी कुछ ठीक नहीं होने वाला तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए लेकिन प्रिया गुस्साते हुए उन्हें ही खरी खोटी सुना देती है प्रिया वकील के जरिए मन्नू को एक कैसेट भिजवाती है जिसमें उसने रिकॉर्डिंग करी हुई थी जेल के अंदर कैसेट ले जाना मुश्किल था पर वो कैसे भी जुगाड़ करके ले जाने में कामयाब हो जाता है टेप रिकॉर्डर चुरा के वो कैसेट सुनना शुरू करता है तो प्रिया ने कई सारी बातें बोली हुई थीं पहले उसे एक हाथी चीटी वाला चुटकुला सुनाती है ताकि उसे हंसी आ जाए वो उसे गाना भी गा के सुनाती है वो कहती है तुमसे मिलने से पहले मैं खुद के लिए गाती थी अब सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगी ऐसा लगता है मैं बस तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ तब मैं रोज गाऊंगी प्रिया ने जब ये रिकॉर्ड किया था तब उसके आंखों में आंसू थे और अब सुनते वक्त मनु की भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं मन्नू उसकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता है बस सुनता रह जाता है उसे एक मैगजीन से समुन्दर किनारे की फोटो मिलती है तो वो उसे अपने पास रख लेता है क्योंकि प्रिया ने रिकॉर्डिंग में समुन्दर किनारे का भी जिक्र किया था जो कि उसने अपने सपने में देखा था कि बस वो दोनों किनारे पर चले जा रहे हैं और लहरें उनके पैरों के निशान मिटाती जा रही हैं। माँ से प्रिया की हालत देखी नहीं जाती तो वो मन्नू से मिलकर कहती है कि वो चार दीवारों में बंद नहीं है ये सच है लेकिन उसने अपने आप को कैद कर लिया है उसने गाना गाना भी छोड़ दिया है अब उसकी जिंदगी में संगीत नहीं रहा मेरी भी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों शादी कर लो लेकिन पता नहीं तुम कब बाहर आओगे अब मन्नू के दिमाग में ये सब बातें चलने लग जाती हैं और इसी उधेड़ बुन में वो अपना हाथ कपड़ा बुनने वाली मशीन के अंदर डाल देता है मलहम पट्टी के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है मन्नु सोचता है कि यही सही मौका है यहाँ से भागकर प्रिया के पास जाने का तो वो पानी के टैंकर में जाके छुप जाता है टैंकर गेट क्रॉस करने ही वाला था कि तभी जेल का सारन है क्योंकि पता चल गया था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था अब उसे एक छोटी सी जेल में अकेला बंद कर दिया जाता है जहाँ से बाहर घूमने टहलने भी नहीं दिया जाता था प्रिया उससे मिलने आती थी पर मनु जाता भी तो जाता कैसे सब सोच विचार करके मन्नू प्रिया को एक खत लिखता है तुम्हारे सामने ये बात बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में शायद ये खत तुम्हें मिलने तक हमारी आखिरी मुलाकात हो चुकी होगी मैंने पागलपन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी और अब जो करने जा रहा हूँ शायद तुम्हें लगेगा कि ये उससे भी बड़ी गलती होगी लेकिन ये फैसला मैंने तुम्हारे लिए लिया है मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगेगा पर हो सके तो मुझे माफ कर देना अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो गाना गाने में तुम्हें कितनी खुशी मिलती है मुझे पता है तुम एक बड़ी सिंगर बनोगी मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी हमारे सपने से भी अच्छी हो मेरे बारे में फिक्र मत करो मेरे पास तुम्हारा सपना है जब तक जीऊँगा उसे ही रिवाइंड करके जीऊँगा ये तुम्हें भी पता है कि कोर्ट में हमारी लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं है तुम बेकार में पैसे खर्च मत करो इस गलती की सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए खत को भेजने के बाद एक आखिरी बार मनु प्रिया से मिलता है ताकि उसकी आंखों में प्यार देख के पूरी जिंदगी यहाँ गुजारने की ताकत जुटा सके और उससे बस इतना ही कहता है कि कभी तुम गाना मत छोड़ना को जब खत मिलता है तो वो बहुत रोती है और मन्नू से मिलने की पूरी कोशिश करती है पर मन्नू उससे मिलने नहीं आता वो हर रोज वहाँ आकर उसके आने का इंतजार करती थी पर मन्नू जान नहीं आता था क्योंकि जानता था कि वो मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा क्या मन्नू को बताता भी है कि वो रोज आती है तेरे लिए तू जाता क्यों नहीं है एक बार मनु गेट तक पहुंच भी जाता है पर खुद को मजबूत रखते हुए वो नहीं जाता मन्नू पाटिल से पूछता है कि आपने क्या गलती की थी पाटिल कहता है कि मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए सिर्फ सजा है माफी नहीं प्रिया माँ के सामने खूब रोती है मुझसे नहीं हो पा रहा मैं थक गई हूँ माँ उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी इस दर्द को मैं और सह नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ माँ माँ कहती हैं कि ये दर्द तो पहाड़ है पूरी जिंदगी तुम्हें ये सहना पड़ेगा इसे तोड़कर आगे बढ़ना होगा आदत हो जाएगी बेटा धीरे धीरे आदत हो जाएगी लेकिन इस दर्द से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है प्रिया तब भी जेल जाना बंद नहीं करती पर मनु आ ही नहीं रहा था प्रिया सोचती है कि मन्नु जो चाहता है फिर वही सही उसे आगे बढ़ना ही होगा उधर मनु से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो तोड़ फोड़ मचा देता था ताकि सजा के तौर पर उसे छोटी वाली जेल में बंद कर दिया जाए जहाँ से वो निकल नहीं सकता अपने दुख दर्द पीड़ा को वो खुद को टॉर्चर करके निकाल रहा था मन्नू के ऊपर लगाए गए सारे आरोप सारे चार्जेस सही साबित होते हैं तो उसे दस साल की सजा सुना दी जाती है प्रिया का खुद की जान देने का भी मन करता है पर फिर उसकी माँ का क्या होता तो वो ना करके बल्कि आगे बढ़ने के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है जो कि उसकी मां करवाना चाहती थी मनु जिस टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर प्रिया को सुनता रहता था वो रिकॉर्डर सोमा पानी में डाल देता है उसका खून खोल उठता है पर वो कुछ नहीं कर पाता गलीमत ये थी की रिकॉर्डर में कैसेट नहीं थी जेल की तरफ से एक सुविधा मिलती है कि आप पांच मिनट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मन्नू तुरंत प्रिया को फोन लगा देता है जो कि उसका छोटा भाई उठाता है वो बताता है कि भैया दीदी की शादी तय हो गई है मन्नू जो चाहता था वही हो रहा था लेकिन दिल से कभी नहीं चाहता था कि ये कभी हो पर दिल पर पत्थर रखते हुए कह देता है कि दीदी को नहीं बताना कि मैंने फोन किया था मनु को गुस्साने रोने चिल्लाने भाग जाने का मन कर रहा था पर तभी उसे सोमा दिखाई पड़ता है तो वो उसी को पकड़ के उसे पीटना शुरू कर देता है वो उसे इसलिए पीट रहा था ताकि उसके आदमी मिलकर उसे पीट डालें और वो खत्म हो जाए मनु सोमा को इतना मारता है कि उसके कान फट जाते हैं फिर उसके बाद उसके आदमी मनु को पीटना चालू करते हैं इधर मन्नू पिट रहा था उधर प्रिया की शादी हो रही थी पाटिल और उसके लोग मन्नू को बचा लेते हैं और जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं अब हम देखते हैं कि प्रिया कमरे में बैठे अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है पर तभी कोई दरवाजा खटखटाता है वो दरवाजा खोलती ही है कि तभी सीन कट होकर हमें मन्नू को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है पाटिल मनु से कहते हैं कि मेरी बीवी और उसका जलता हुआ वो शरीर उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में सुनाई देती हैं, मुझे तड़पाती हैं। चार दीवारों के बीच रहना कोई सजा नहीं उस पाप का बोझ अपने कंधे पर उठाना बड़ी सजा है मरना बहुत आसान है जीना बहुत मुश्किल है सोमा अपना बदला जरूर लेता इसलिए जेलर से बात करके पाटिल मन्नू को दूसरी जेल में शिफ्ट करा देता है फिर कहानी यहाँ से दस साल आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अब वक्त आ चुका था मन्नू के जेल से बाहर आने का प्रिया ने रिकॉर्डिंग में कहा था कि तुम्हारा बाहर आने का इंतजार है और जश्न की तैयारी कर ली है मैंने उस दिन मैं तुम्हारे लिए जेल के बाहर इंतजार करूंगी अगर तुम्हें देख के मैं रोने लगी तो मुझे हंसाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी मन्नु अपना सब सामान लेकर बाहर निकलता है लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता की प्रिया आई या नहीं हमें बताया जाता है कि इसका अगला भाग भी आएगा 27 अक्टूबर को अगले भाग के कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं जैसे कि मन्नु अभी भी वही रिकॉर्डिंग सुनकर जी रहा है प्रिया अब एक साड़ी की फैक्ट्री में काम करती है मनु किसी और लड़की के साथ है पर उनके बीच का रिश्ता क्या है नहीं पता प्रिय अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है और शायद मन्नू का दुश्मन भी सोमा जेल से बाहर आ चुका है और कान में मशीन लगाता है और बदले की आग में जल रहा है मनु और प्रिया की मुलाकात हो ही जाती है मन्नू अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए उसका हाथ अपने हाथ पर रखने को कहता है प्रिया जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है सीन यहीं कट हो जाता है और फिर जो भी है सब 27 अक्टूबर को पता चलेगा और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला मन्नू की जिंदगी में भूचाल ले आया और अच्छी खासी चल रही जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मस्त शादी करके सेटल होने के सपने देख रहा था लेकिन अब उसकी आगे मंजिल क्या है और क्या होगा कुछ पता नहीं हम अक्सर सुनते हैं कि आगे क्या होगा मत सोचो बस आज में जियो पर अब लगता है की कभी कभार कुछ जोखिम भरा फैसला लेने ऐसी पहले उसके परिणाम क्या होंगे ये भी सोच लेना चाहिए मन्नू ने सिर्फ ये फायदा दिखा कि पैसा आएगा घर भी मिल जाएगा सब बढ़िया हो जाएगा लेकिन ये सोचा ही नहीं कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो क्या होगा शॉर्टकट वाली कामयाबी हमेशा ऐसे ही धोखा देती है तो हमें यही सीख मिली कि अपने फैसले संभाल कर ले और थोड़ा सोचे उस फैसले के बारे में जो आप लेने वाले है ताकि आगे चल आपकी अच्छी चल रही जिंदगी खराब मोड पर न आ जाए इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल थी जिसमें दिखाया कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए कहां तक जा सकते मन्नू प्रिया के सपनों को पूरा करने के लिए जेल तक चला गया और प्रिया हर वो कोशिश करती रही जिससे उसका प्यार आजाद हो सके फिल्म के दोनों किरदारों को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि आप शुरुआत में ही इनसे जुड़ जाते हैं और फिर अंत तक आप इनके साथ रहते हैं ये हंसते हैं तो आपको हंसना आता है ये रोते हैं तो आप रोते हो ये प्यार करते हैं तो आपके मन में हल्की गुदगुदी सी होती है यहाँ सबसे ज्यादा तारीफ फिल्म के डायरेक्टर हेमंत राव की होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीन्स को शूट किया जिस तरह का एम्बियंस क्रिएट किया है ऐसा फील होता है जैसे कोई कविता चल रही हो कोई कवि अपनी कविता सुना रहा हो और हम उसके द्वारा बोले गए शब्दों को अपने दिमाग में दृश्य के रूप में बदल उस कविता को देख रहे हो डायरेक्टर राइटर ने फिल्म को पूरी तरह से रियल रखने की कोशिश की है जैसे कि जेल वाला सीन जहां अक्सर देखने मिलता है कि लोग मिलने जाते हैं और आराम से मिलते हैं पर असल में कुछ ऐसे ही तरीके से भसड़ होती है जैसे फिल्म में दिखाया रियल में भी जेल के अंदर गुंडों का राज चलता है और जो कमजोर है उसे दब के रहना पड़ता है इस फिल्म का बीजीएम काफी ज्यादा अच्छा है जो कि आपको फिल्म के सीन्स के साथ बांधे रखने में मदद करता है दो घंटे बीस मिनट तक मैंने हर इमोशंस फील किए खुशी दुख गुस्सा एंजाइटी दर्द उम्मीद दया सब कुछ अब एक्टिंग की बात करें तो रक्षित शेट्टी और रुकमणी ने अपने किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया है मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं कलाकारों को देख रहा हूं, बल्कि यही लगा कि हमारे आसपास के ही किसी प्रेमी जोड़े की कहानी देख रहा हूं। चार्ली ट्रिपल सेवन में जब मैंने रक्षित सर का काम देखा तभी से मैं उनका फैन हो गया और मेरा उनका फैन बनना गलत नहीं हुआ क्यूँकी इस फिल्म में भी उन्होंने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया रुकमनी मैम के फेस एक्सप्रेशंस उनके बोलने का तरीका सब इतना अच्छा था कि लगा किसी को भी उनसे आसानी से प्यार हो जाए दोनों की एक्टिंग इतनी बेहतरीन है कि आप उनकी आंखों से किरदारों के बीच का प्यार समझ सकते हैं इतनी शिद्दत से दोनों ने एक्टिंग करी है कि आप थोड़े ही पल में उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और अगले ही पल आपको उनके लिए फील होने लगता है आखिर में आते आते तो आप खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं की काश वैसा ही हो जैसा हर फिल्म में होता है यानी की दोनों मिल जाए मन्नू प्रिया का प्यार देखकर आप चाहेंगे ही नहीं कि ये कभी अलग हूँ आपका मन ही नहीं करेगा कि फिल्म की एंडिंग सैड हो पर मूवी को इस मोड पे छोड़ा गया है कि पता ही नहीं कि आगे क्या होगा शायद वो तो नहीं होगा जो हर फिल्म में होता है कुछ अलग ही देखने मिलेगा और मैं तो इसके अगले भाग के लिए काफी उत्साहित हूँ हमें भले पार्ट टू के कुछ कुछ सीन्स दिखाए गए हैं पर कहानी क्या होगी ये समझा नहीं जा सकता और यही चीज हमें पार्ट टू का इंतजार करने के लिए और मजबूर कर देती है अब देखना यह रहेगा कि मन्नू को जब पता चलेगा कि पीए की वजह से उसे सजा काटनी पड़ी तो वो क्या करेगा सोमा बाहर आ चुका है तो मन्नू ने जो उसके कान फाड़े अब वो उसका क्या फाड़ेगा या फड़वाएगा क्या अगले भाग में ये प्रेम कहानी पूरी हो पाएगी या अधूरी कहानी बन के रह जाएगी ये सब जानने के लिए बस थोड़े दिन का इंतजार और ये फिल्म अमेजोन प्राइम पर मौजूद है तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा जरूर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपके आंखों से आंसुओं की धारा जरूर बहेगी जमाना हो गया है बॉलीवुड को ऐसी कोई फिल्म बनाए हुए और शायद पता नहीं कभी बनेगी भी या नहीं क्योंकि अब तो या तो रिमेक बनती है या मास फिल्में बनती है जवान और पठान जैसी और हाँ बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है सोमा भाई का किरदार निभाने वाले रमेश इंदिरा की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और जाते जाते आप अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर जाइएगा आपके कमेंट पढ़कर मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाते रहने का अगर कोई विचार नहीं आ रहा है मन में तो वीडियो अच्छी लगी या नहीं इस हिसाब से लाइक डिस लाइक जरूर करके जाइएगा आप यहाँ तक पहुँचे पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे जिससे की सीधे उनके मोबाइल पर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएंगे और बार बार सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा कि वीडियो आई या नहीं बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते